तो दोस्तों कैसा हो सब। मैं हूँ फरहान और आप देख रहे हो फरियाज रिएक्शन। बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, कुछ बिजी था बीच में, बाद में कभी बताऊँगा क्या प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन वापस आ गया हूँ। काफ़ी कुछ चेंज हुआ, बहुत सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हमारे, व्यूज़ आ गए हैं, बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाली थी फिर भी। तो उम्मीद है कि हमारा ये चैनल आगे और बढ़ेगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। मुझे काफ़ी लोग बीच में जब मैं वीडियो नहीं डाल रहा था सब्सक्राइब हो रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे कुछ वीडियोस पे, मैंने उनका ज़रूर रिप्लाई करा। तो फाइनली अब वापस आ गए हैं और अब नई वीडियो लेके आया हूँ। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत नए नए स्मार्टफोन्स लॉन्च हो गए हैं, बहुत कम पैसों के, बहुत ही सस्ते, बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं। तो सोचा क्यों ना करंट जो मन चल रहा है नवंबर 2018 की एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें आप 3 ऐसे स्मार्टफोन देख सकते हो, अपने लिए चूज़ कर सकते हो, जिनमें से जो कि सिर्फ आप खरीद सकते हो 10,000 रुपये के अंदर अंदर। बहुत अच्छे स्मार्टफोन्स हैं, बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशंस हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और एंड में मैं बताऊंगा इन तीनों में से मेरी कौन सी चॉइस है जो मैं अगर मुझे लेना होता तो मैं ज़रूर लेता। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में पहले नंबर पे जो फ़ोन आता है वो है Asus ZenFone Max Pro M1। इसकी अगर स्क्रीन की बात करें तो इसका स्क्रीन जो है 5.99 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है। 18:9 HD रेशियो के साथ आपको ये मिलता है। इसमें नॉच डिस्प्ले नहीं है। कुछ लोगों को नॉच पसंद है लेकिन बहुत से लोगों को नॉच पसंद नहीं है, उनमें से मैं भी हूँ। बीच में अजीब सा लगता है, स्क्रीन के बीच में कुछ आ रहा है, मज़ा भी नहीं आता वीडियोस देखने में। लेकिन बहुत लोग हैं जिनको पसंद भी है, उनके लिए भी मेरे पास अगले फ़ोन में नॉच ज़रूर है। तो वीडियो ज़रूर पूरा देखते रहिए। अब अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको 1.8 GHz का ऑक्टाकोर स्नैपड्रैगन 636 का प्रोसेसर मिलता है। रैम 3 GB, इंटरनल स्टोरेज 32 GB, एक्सटेंडल मेमोरी आप इसमें कर सकते हो, अपना एक माइक्रो SD कार्ड इसमें डेडिकेटेड स्लॉट दिया हुआ है, आप लगा सकते हो। कैमरे की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट कैमरा जो मिलता है वो मिलता है 8 MP फ्लैश के साथ। रेयर में आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है इस फ़ोन में 13+5 MP का। तो कैमरा वाइज देखा जाए, मैंने अब तक जो भी इसका रिव्यू देखे सुने तो अच्छा ही लगा, बहुत ये नहीं कह सकता बहुत अच्छा कैमरा है, लेकिन इस प्राइस में इतना अच्छा कैमरा मिल रहा है और इतना अच्छा आपको प्रोसेसर मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है। बैटरी की अगर इसकी हम बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, बहुत ही पावरफुल बैटरी है। 5000 mAh मतलब पबजी खेल रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, आराम से चले। OS की बात करें तो इसमें आपको Android 8.1 Oreo इसमें आपको मिलता है, जो कि रेगुलर अपडेट्स के साथ आ भी रहा है। अब अगर इसमें आगे और चीज़ें बात करूँ तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है साथ ही साथ। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कहाँ से बेस्ट बाय खरीद सकते हैं। आपको बेस्ट Flipkart से मिल जाएगा और अभी इस मंथ में खरीदेंगे तो कुछ ऑफर्स भी आपको मिल जाएंगे, तो शायद हो सकता है आपको ये और सस्ता भी पड़े। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पे जो फ़ोन है वो है Nokia 5.1 Plus। Nokia का फ़ोन आजकल बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन Nokia फ़ोन निकाल रहा है, हालांकि पहले ये इतना चल नहीं पाया, बीट कर दिया है इसको काफ़ी कंपनीज़ ने, लेकिन Nokia जाना जाता है अपने अलग अलग आड़े टेढ़े फ़ोनों के बारे में। तो आप भी जानते हैं बहुत अजीब अजीब से फ़ोन इन्होंने निकाले, लेकिन बहुत अच्छे फ़ोन जो कि आज तक लोग याद करते हैं और कुछ लोग यूज़ भी करते हैं। तो Nokia का 5.1 Plus एक फ़ोन है, मुझे बहुत अच्छा स्मार्टफोन लगा। मैं आपको अगर इसके स्पेसिफिकेशंस बताऊं तो इसमें जो आपको स्क्रीन मिलती है वो मिलती है 5.86 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ 19:9 रेशियो के साथ, यानी कि एक नॉच डिस्प्ले है। तो मैंने बताया था आपको नॉच लवर्स के लिए बहुत बढ़िया फ़ोन है। प्रोसेसर की बात करूँ तो 1.8 GHz का ऑक्टाकोर मीडियाटेक हीलियो P60 का प्रोसेसर इसमें आपको मिल रहा है। अच्छा प्रोसेसर है, बहुत अच्छा नहीं। रैम की बात करें तो 3 GB रैम, इंटरनल स्टोरेज 32 GB और माइक्रो SD कार्ड सपोर्टेड है, ये इसमें आपको स्लॉट उसमें मिल जाएगा। कैमरा की बात करें तो फ्रंट में आपको 8 MP का कैमरा मिलता है। रेयर में आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलेगा 13+5 MP के साथ। कैमरा बहुत अच्छा है इस फ़ोन का, मैं आपको पहले ही बता दूँ, नोकिया कैमरे के लिए पहले जाना जाता था। तो इसकी बात करूँ तो एंड्रॉयड 8.1 ओरियो के साथ ही आ रहा है, रेगुलर अपडेट्स भी इसमें आ रहे हैं। बैटरी की बात करूँ तो 3060 mAh की इसमें आपको बैटरी मिलेगी, बहुत ज़्यादा नहीं है बट ओके है। साथ साथ अगर मैं आपको इसमें बात करूँ तो एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, प्लस फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो देखा जाए लुक वाइज फ़ोन ये बहुत अच्छा है, कंपेयर करोगे अगर आप Asus से जो मैंने आपको पहले बताया उसके मुकाबले ये लुक वाइज बहुत अच्छा है। हालांकि बैटरी आपको उसकी बताइए 5000 mAh की बैटरी है तो ये तो उसके सामने इतना नहीं टिकने वाला, बट अगर आपको थोड़ा स्टाइलिश सा फ़ोन चाहिए और अगर आप थोड़ा Asus के अलावा आपका ज़्यादा फोकस करना चाहते हो अपने गेमिंग पे तो ये फ़ोन आपके लिए अच्छा है। बहुत 10,000 रुपये के अंदर अंदर का ये फ़ोन है,
अगेन अगर आप इसको ऑनलाइन अभी खरीदेंगे तो आपको ऑफर्स पे ही हो सकता है कुछ और कम रेट पे भी मिल जाए। दोस्तों हमारी लिस्ट में थर्ड एंड लास्ट फ़ोन जो है वो है ओप्पो का रियलमी 2। रियलमी का सक्सेसर रियलमी 2 बहुत फ़ोन ही आजकल चल रहा है। अब अगर सबसे पहले मैं आपको बात करूँ इसकी स्क्रीन की, तो इसमें आपको 6.20 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है 19:9 रेशियो के साथ। नॉच डिस्प्ले इसमें आपको मिल जाए। अब अगर प्रोसेसर की बात करूँ तो 1.8 GHz का ऑक्टा कोर का स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर इसमें आपको मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर है। रैम 3GB, इंटरनल स्टोरेज 32GB, माइक्रो SD कार्ड भी इसमें आपको मिलेगा सपोर्टेड। प्लस इसमें एक वेरिएंट और भी आता है 4GB रैम के साथ, लेकिन वो 10,000 से ऊपर का वेरिएंट है। कैमरा की बात करें तो इसमें आपको फ्रंट में 8 MP और रियर में ड्यूल कैमरा सेटअप है 13+2 MP का, एंड्रॉइड 8.1 ओरियो के साथ ही आपको मिलता है। बैटरी की बात करें तो 4230 यानी कि 4230 mAh इसमें आपको बैटरी मिलती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक ये सब आपको इसमें मिल जाता है। देखा जाए तो 10,000 के अंदर तक डील अभी तो एक है, आपको 8,990 का ही पड़ेगा, प्रॉपर 10,000 का भी नहीं पड़ेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो डील बहुत अच्छी है। कलर वाइज बहुत अच्छे इसके डिफरेंट से कलर्स हैं। बैक पे इसका एक रेड कलर बहुत है जो मेन आया था, बहुत अच्छा कलर है। लुक वाइज फ़ोन बहुत अच्छा है, ओवरऑल फ़ोन बहुत अच्छा है। अब अगर मैं बात करूँ इन तीनों में से अगर मैं सजेस्ट करूँ बेस्ट कौन सा है, तो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट जो है वो है Asus का ZenFone Max Pro M1। इतने कम पैसों में इतनी आपको अच्छी स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो डिस्प्ले पसंद करते हैं नॉच वाला, इसमें नॉच डिस्प्ले नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नॉच डिस्प्ले से हट के आप देखो 5000 mAh की बैटरी, इतना अच्छा प्रोसेसर, सब कुछ, तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट वही। बाकी देखा जाए तो नोकिया का फ़ोन भी बहुत अच्छा है और रियलमी 2 तो खैर कोई बीट नहीं कर ही सकता। अपने हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ तो फर्स्ट पे मैं रखूँगा Asus को, सेकंड पे रियलमी 2 को, थर्ड पे नोकिया 5.1 प्लस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कोई और फ़ोन पसंद है या मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे और हिम्मत मिल रही है कि अब मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। और अब बिल्कुल भी वीडियोस बनाना ना छोड़ूं, कोई गैप ना दूं, रेगुलर टेक वीडियोस देता हूं। टेक वीडियोस से मैं आपको बताऊं, मैं एक टेक न्यूज़ अपना शुरू करा था, उसको मैं थोड़े टाइम के लिए ब्रेक देना चाहूँगा क्योंकि मैं वो एक साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन नॉर्मल एस टॉप 3 टेक वीडियोज़ या टॉप 3 फ़ोन्स वगैरह गैजेट्स ये सब मैं आपको रेगुलर देता रहूँगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट फ़ोन कौन सा है। तो दोबारा हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।